आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उप सचिव महोदय श्रीमती सप्तश्री सिंह मैडम से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। जी प्लीज। थैंक यू मैम। सम्माननीय सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी, डिप्टी सेक्रेटरी मैडम मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर बड़वानी, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग बड़वानी, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर बड़वानी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यगण, पैरा लीगल वॉलेंटियर्स, लॉ स्टूडेंट्स एवं विभिन्न एनजीओ के उपस्थित प्रतिनिधि, आप सभी का मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यूट्यूब प्रोग्राम न्याय आपके द्वार में हार्दिक स्वागत है। न्याय आपके द्वार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा संबंधित जिले से सीधे जुड़कर जिले से संबंधित कानूनी मुद्दे, समस्या इत्यादि पर चर्चा की जाती है तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य YouTube के माध्यम से अधिक लोगों तक जुड़कर विधिक जागरूकता बढ़ाना तथा मन में आने वाले कानूनी प्रश्नों का समाधान करना है। इसी श्रृंखला में आज हम बड़वानी जिले के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम का विषय बाल विवाह एवं महिलाओं के अधिकार है। इस विषय पर जुड़े प्रमुख कानूनी बिंदुओं के बारे में चर्चा उप सचिव महोदय द्वारा की जाएगी एवं प्रतिभागियों के प्रश्नों को भी लिया जाएगा। ओपन इंटरेक्टिव सेशन में आप सभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व में बड़वानी जिले के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहूंगा ताकि YouTube के माध्यम से जुड़े हुए और आगे जुड़ने वाले व्यक्तियों को, प्रतिभागियों को बड़वानी जिले के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त रहे। बड़वानी जिला जो पूर्व में अवसगढ़ के नाम से भी जाना जाता रहा है, इसका गठन खरगोन जिले से अलग कर 1998 में किया गया था। आजादी से पूर्व बड़वानी शहर को निमाड़ के पेरिस के रूप में भी जाना जाता रहा है। बड़वानी शहर से कई प्रमुख व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं जिसमें प्रमुखता भीमा नायक जनजातीय व्यक्तित्व एवं प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोदकर हैं। बंधान जलप्रपात एवं 52 गजा प्रमुख जैन तीर्थ केंद्रों वाला यह शहर काफी अपनी सुंदरता और रमणीयता के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम का विषय बाल विवाह एवं महिला के अधिकार है। ये समाज के इन दोनों वर्गों का हमारे देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहां पर रहने वाली महिलाएं, वहां पर उपस्थित महिलाएं अपने आप को सुरक्षित, सम्मानित महसूस करें तथा साथ साथ उनको प्राप्त सभी अधिकारों की पहुंच उन तक सुनिश्चित हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जैसा कि अभी आप सभी लॉ स्टूडेंट्स हैं और काफी विधि से जुड़े हुए छात्र और व्यक्ति हैं यहाँ पर, जैसे हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करती है और ये भारत के सभी व्यक्तियों को बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के आधार पर सुनिश्चित किया जाना है। आर्टिकल 14, 15 और 16 महिलाओं के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जिसमें प्रमुखता आर्टिकल 14 सभी व्यक्तियों के समानता के अधिकार को देता है। आर्टिकल 15 यह सुनिश्चित करता है कि भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। और आर्टिकल 16 भारत के नागरिक को रोजगार के में समान अधिकार सुनिश्चित करता है। ये आर्टिकल ये बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को पीछे नहीं रखा जा सकता है, महिलाओं को बराबर का अधिकार सुनिश्चित किया जाना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं एक दो प्रमुख कानूनी बिंदु जैसे कि 1091 विमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताना चाहूंगा। ये एक हेल्पलाइन नंबर है, साथ साथ 15100 जो कि इन दोनों हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाएं जब भी अपने आप को असुरक्षित या किसी समस्या महसूस करें तो वो इस नंबर का यूज करते हुए अपनी समस्या को रख सकती हैं, जिसमें 1091 प्रमुखता महिलाओं के लिए बनाई गई हेल्पलाइन नंबर है। अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हर लीगल गाइड। ये हर लीगल गाइड एक ऐसा ऐप है जिसमें महिलाओं से संबंधित सभी कानूनी जानकारी, प्रमुख कानून बिंदु और जो प्रमुख जो कानून उनके बारे में वन क्लिक पर जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो मैं ये भी अनुरोध करूंगा सभी से कि सभी महिलाएं और जो भी सभी प्रतिभागी गण यहाँ पर उपस्थित हैं वो इस ऐप को भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें।
अब मैं कार्यक्रम ज्यादा समय न लेते हुए उप सचिव महोदया मैडम से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम के विषय से संबंधित प्रमुख कानूनी बिंदुओं पर हमारे प्रतिभागीगणों को अवगत कराने का कष्ट करें। मैडम प्लीज ओवर टू। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज हम सभी के समक्ष लॉ स्टूडेंट पैनल एडवोकेट्स और पैरालीगल वॉलंटियर्स लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स ये सभी लोग प्रतिभागी गण के रूप में उपस्थित हैं। जैसे कि सर्वेश जी ने बताया कि ये पहले ही बताया होगा कि ये जो सीरीज हमने शुरू की है इसका मुख्य प्रयोजन ही ये है कि जो समस्याएं हैं जिन पर नॉर्मली हमें लीगल असिस्टेंस देनी होती है वो हम ज्यादा से ज्यादा विस्तारित तरीके से कैसे प्रसारित कर सकते हैं उसके लिए हमने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चूज किया है ताकि ये जानकारी सिर्फ आप तक सीमित ना रह जाए बल्कि जन सामान्य में प्रचारित हो और लोगों को उससे मदद मिल सके। आज जब हम सोचते हैं हमें किसी तरीके की कोई क्वेरी होती है कोई समस्या होती है तो हम गूगल पे वो क्वेरी टाइप करते हैं तो उसका आंसर हमें आ जाता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, छोटी चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी बारे में कोई गाइडेंस चाहिए, किसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमारे पास दो ही साधन होते हैं, गूगल और एक यूट्यूब, और उसमें उसकी सारी जानकारी आ जाती है। लेकिन यहाँ लॉ स्टूडेंट्स भी हैं और भी लीगल फ्रेटर्निटी से लोग हैं, जब हम कोई लीगल क्वेरी टाइप करते हैं यूट्यूब में या फिर गूगल में तो गूगल में या तो एकदम लिटरेचर आपके सामने रीडिंग मटेरियल आता है और अगर आप यूट्यूब में टाइप करते हैं तो अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स आते हैं। लेकिन एक पुख्ता जानकारी जो एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीजें जो एक नागरिकों को पता होनी चाहिए या नीडी वन को पता होनी चाहिए वो एक ट्रस्टेड फोरम से हमारे पास उपलब्ध नहीं रहती है। और इसी वजह से हमने ये कोशिश की है कि जिले वाइज आपके ही द्वारा जिन जिन मुद्दों पर डील किया जा रहा है मैक्सिमम वो मुद्दे आपसे मंगाए जाएं और उन मुद्दों पर चर्चा की जाए। तो इस चूंकि जो आपके जिले से बड़वानी जिले से जो क्वेश्चंस भेजे गए हैं वो मोस्टली 90% जो है वो बाल विवाह से संबंधित है और बाल विवाह से संबंधित चीजों के बारे में लीगल असिस्टेंस चाही गई है वहां से। तो वन बाय वन प्रश्नों को लेकर प्रश्नों के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो एक जनरल फॉर्म में है लेकिन फिर भी हम उसको इस मंच से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न पहला भेजा गया है, बाल विवाह रुकवाने की जवाबदेही महिला एवं बाल विकास विभाग की है। बाल विवाह करना कानूनन अपराध भी है। इसकी जानकारी जिला प्राधिकरण के द्वारा अपने विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से दी जाती है परंतु संबंधित विभाग द्वारा यह कार्य क्यों नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? देखिए जहां तक चूंकि हम सब दालसा से जुड़े हुए हैं, सालसा से जुड़े हुए हैं, हमारा रोल ही फैसिलिटेटर का है। जब कोई डिपार्टमेंट अपना काम सही तरीके से नहीं करता या शासन के द्वारा बनाई गई कोई योजना जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है या जैसा कि हम कहते हैं कि पंक्ति में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति तक वो न्याय की पहुंच नहीं हो पा रही है तब हमारा रोल आता है और इसीलिए हमारा अस्तित्व है। तो चूंकि वो डिपार्टमेंट उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं कर रहा है इसीलिए हमारा रोल आता है और ऐसा नहीं है कि संबंधित विभाग प्रयास नहीं करता। अगर बाल विवाह नहीं रुक पा रहे हैं और ये कुरीति अभी भी विद्यमान है तो उसके दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे। इसके बारे में हम ये नहीं कहा जा सकता कि संबंधित डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, हम सभी लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं इस कुरीति को रोकने के लिए और बहुत हद तक ये जो चीज है इसका समाधान भी हुआ है और आगे अगर हम इस मंशा के साथ कार्य करते रहेंगे तो ये भी चीजें ठीक होंगी। तो मुझे लगता है कि हमें ब्लेम गेम जो है उससे बचना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम आजादी का 76 अमृत महोत्सव मना रहे हैं परंतु देश में आज भी प्रत्येक वर्ष 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होती है जिसके कारण भारत में
दुनिया की सबसे ज्यादा बाल वधुओं की संख्या है, जो विश्व की कुल संख्या का तीसरा भाग है। फिर हम हमारे देश को बाल विवाह मुक्त भारत कैसे बना सकते हैं? ये बिल्कुल हमारे ऊपर, ये न्यू जनरेशन जो है, आज हमारी न्यू जनरेशन है, आप लॉ स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम जितना से जितना लीगल अवेयरनेस इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, कानूनों की हमें जितनी जानकारी होगी, शिक्षा जितनी बढ़ेगी, तब हम इस चीज में प्रयासरत हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एजेंसीज फोरम इसके बारे में कार्य कर रही है और निश्चित रूप से हमें भविष्य में सफलता भी मिलेगी। इसी से संबंधित ही अगला प्रश्न है कि बाल विवाह को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल इन्हीं प्रश्नों की तरह एक प्रश्न है। जो एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन है वो यह है कि बाल विवाह से जन्मे बालक की अभिरक्षा और भरण पोषण के लिए क्या कानूनी प्रावधान है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 5 और 6 में इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं, और सेक्शन 5 और 6 में यही बताया गया है कि अगर बाल विवाह हुआ है और बाल विवाह से कोई संतान उत्पन्न हुई है, तो जहां तक उसके भरण पोषण की बात है, तो उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान रख, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को दृष्टिगत रखते हुए डिसीजन दिया जाएगा और सारा फोकस उसके बेस्ट इंटरेस्ट पर होगा। अब जहां पर भी बेस्ट इंटरेस्ट वर्ड आता है, तो एक एजेंसी, एक फोरम हमारे का नाम हमारे सामने आता है, जिसका नाम है जिला बाल कल्याण समिति, जिनके ऊपर ये दायित्व है कि वो किसी भी बच्चे का, चाहे वो पॉक्सो विक्टिम हो, चाहे वो चाइल्ड इन नीड हो, चाहे वो बाल विवाह से जन्मा हुआ बच्चा हो, उसके उचित प्रोटेक्शन की व्यवस्था करना, उसके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ये बाल कल्याण समिति का दायित्व होता है, जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से जो मामला रिपोर्ट किया जा सकता है। तो जहां तक इनके भरण पोषण और कस्टडी का मैटर है, वो प्राइमरीली जो है वो बाल कल्याण समिति को डील करना होता है, उसके बाद वो मैटर लिटिगेशन में भी जा सकता है अगर उसमें कहीं पार्टीज डिस्प्यूट है या कोई ऐसी स्थिति है। जहां तक कि उनकी धर्मजता का प्रश्न है, तो भले ही बाल विवाह इलीगल है या उसको उसको नल एंड वॉइड की डिग्री दे दी गई हो उस विवाह को, परंतु अगर उस विवाह से कोई बालक जन्मा है, तो वो उतना ही धर्मज है जितना कि एक वैध विवाह से या एक प्रवर्तनशील विवाह से जन्मा हुआ बालक होता। तो बाल विवाह से जन्मे बालक की अभिरक्षा और भरण पोषण से संबंधित जो स्थिति है, वो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में क्लियर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी पिता की स्वार्जित संपत्ति में अधिकार की मांग कर सकती है क्या? जैसा कि हम सभी को कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है इसके बारे में, और लॉ भी सेटेड लॉ भी है ये, कि स्वार्जित संपत्ति के बारे में इनहेरिटेशन जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। बेटियों की राइट की बात वहां आती है जहां पर बिना वसीयत के जो राइट्स हैं, और प्रॉपर्टी में राइट्स हैं, वो इनहेरिट होने हैं, आगे होने हैं, तो उनका बिल्कुल वैसा ही राइट है जैसा कि बेटों का राइट है। लेकिन जहां पर निर्वसीयती नहीं है, बकायदा विल की गई है और स्वार्जित संपत्ति है किसी व्यक्ति की, तो ये पर्टिकुलरली उस व्यक्ति का ही राइट है कि वो प्रॉपर्टी वो किसे दे। इसके अलावा एक चीज और सामने देखने आती है कि सामान्यतः तया नैतिकता के चलते या एक पारंपरिक तौर से बेटियां जो है, इस कानून के आने के बाद भी बेटियां अपने राइट को वेव कर देती हैं, तो क्योंकि उनके मन में ऐसी मंशा होती है कि हमारे पिता ने और हमारे माता पिता ने हमारी शादी की है, और शादी में खर्चा खर्चा किया उतना, और हमारा पालन पोषण किया, हमारी शिक्षा दी, और उसके बाद चूंकि हम पर हमारे माता पिता का भरण पोषण का दायित्व नहीं है, बेटों पर है, तो वो इस तरीके की कुछ मॉरल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए वो अपने राइट्स वेव कर देती हैं। और जब एक बार बेटियां जो हैं, फीमेल जो है, वो अपने राइट वेव कर देती है, तो फिर उसे उसमें कोई अधिकार नहीं रह जाता है। बाकी जहां तक स्वार्जित संपत्ति का प्रश्न है, तो स्वार्जित संपत्ति में जिस व्यक्ति की वो संपत्ति है, बिल्कुल ये उसी का राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को किसे किस तरह से विभाजित करे, परंतु यदि वह निर्वसीयती उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह एक नॉर्मल हायर की तरह वो राइट को इनहेरिट करेंगी बेटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र की मृत्यु के पश्चात
पुत्र वधु ससुराल पक्ष की संपत्ति में कितने प्रतिशत संपत्ति की मांग कर सकती है। ये भी एकदम सेटल पोजीशन है कि यदि पुत्र की मृत्यु हो गई है तो जितना उस प्रॉपर्टी में पुत्र का अंश है वही उसके पुत्र वधु का अंश होगा, जो डिग्रीज के हिसाब से है। ये एक बड़ा वाइड टॉपिक है, एक जनरल एक जानकारी जो एक सामान्य जन सामान्य को होनी चाहिए ये उसके हिसाब से है। अदरवाइज इसमें काफी टेक्निकलिटीज भी हैं, बट नॉर्मली जो उसके पुत्र का जो उसके पति का अंश था वही पुत्र वधु का अंश होता है, बट वेरी करता है कि वो कौन सी डिग्री में फॉल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शादी की उम्र बालिका की 18 वर्ष एवं बालक की 21 वर्ष नियत की गई है। चूंकि आदिवासी समाज स्वयं को हिंदू नहीं मानते हैं तथा स्वयं की परंपराएं रूढ़ी प्रथाएं अनुसार ही विवाह करते हैं, ऐसी स्थिति में हम किस विधि का पालन करेंगे। देखिए, अभी समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जहां तक कस्टमरी लॉ का प्रश्न है, कस्टमरी निश्चित रूप से कस्टमरी लॉ कुछ क्षेत्रों में प्रिवेल करता है, परंतु जहां कोई बात अपराध हो जाती है वहां पर कस्टमरी लॉ भी प्रिवेल नहीं करेगा। यदि बाल विवाह अपराध है तो सिर्फ इस आधार पर कि कस्टमरी लॉ में कस्टम्स में ऐसा है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अपराध नहीं बनेगा। तो इस मामले में निश्चित रूप से जो नॉर्मल हमारा लेजिस्लेशन है वही प्रिवेल करेगा, कस्टमरी लॉ जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा। सिविल मैटर्स में कुछ हद तक कस्टमरी चीजें प्रिवेल करती हैं, तो परंतु बाल विवाह का अगर प्रश्न है तो इसके संबंध में मेरे मत में ये नहीं प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में महिलाओं के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं परंतु उन कानूनों का सही तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए महिलाएं कहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। एक शिकायत दर्ज करने के लिए जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए फोरम है वही महिलाओं के लिए फोरम है, इवन महिलाओं के लिए तो बहुत और भी ज्यादा है। यदि किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है या महिला के साथ किसी प्रकार का अपराध हो रहा है तो वो हेल्पलाइन, जैसे कि बताया आपको कि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकती है, वहां पे अपनी चीजें अपनी अपना जो उसका उसकी समस्या है अपना ग्रीवियंस है वो रिपोर्ट कर सकती है। ये एक बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल करा सकती है, ये तो हम सभी को पता है। पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट अगर फाइल नहीं हो रही है तो वो पुलिस अधीक्षक के पास कंप्लेंट जाके फाइल करा सकती है, वहां से भी नहीं हो रहा है तो वह न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकती है, और कहीं से भी नहीं हो रहा है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आ सकती है, वहां से तो निश्चित तौर से हो जाएगा। तो यही अवेयरनेस हमको लानी है। तो बहुत सारे फोरम्स हैं और बहुत तरीके पैरालीगल वॉलेंटियर्स, आप हमारे बीच में पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं और निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों को उनको जुरिडिक्शन दिए गए होंगे, वो आपके पास आके अपनी समस्या बता सकती है और आप उसे सही फोरम तक पहुंचा सकते हैं, डालसा के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, उसे बता सकते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि वह हिंसा सहती रहती हैं या उनके साथ अपराध होते रहते हैं पर वो थाने नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे स्थिति में पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है वो बहुत अच्छा फोरम बन सकते हैं और उनकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में महिलाओं के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं परंतु आज भी सबसे ज्यादा अपराध शोषण महिलाओं के साथ ही हो रहे हैं, हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को कैसे रोका जा सकता है। इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि समस्या आपकी है तो समस्या आपको ही सुलझानी पड़ेगी, और आपकी समस्या आप तब सुलझा सकते हैं जब आप सशक्त, मैं बात कर रही हूँ महिला सशक्तिकरण की। केवल जागरूकता, निश्चित रूप से जागरूकता बहुत जरूरी है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की, उनके उनसे संबंध ऐप भी लॉन्च हो गया है, अब तो हर लीगल गाइड जिसमें एट अ ग्लांस एक क्लिक में जो आप अगर वो ऐप आप डाउनलोड कर लेंगी तो आपके पास आपसे संबंधित पूरे कानून उसमें आपको मिल जाएंगे। पर क्या वो कानून मिल जाने से आप अपने राइट्स अवेल कर पाएंगे या आप उस हिंसा से या आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो अपराध हो रहे हैं उससे बच पाएंगे? नहीं। उसके लिए आवश्यक है आपका शिक्षित होना और आपका सशक्त होना और समाज का संवेदनशील होना।
समाज को संवेदनशील हमारे सारे स्टेक होल्डर्स बना सकते हैं, बट सशक्त महिलाओं को ही होना पड़ेगा, जो कि मात्र और मात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो हमें बीइंग अ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बीइंग अ स्टेक होल्डर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी, हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के ओर भी कार्य करना चाहिए और उन्हें जागरूक करने के लिए, इस ओर जागरूक करने के संबंध में कार्य करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और जैसे कि मैंने बाल विवाह के संबंध में भी कहा था, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पर कोई भी परिवर्तन जो है वो अचानक नहीं आता है। पहले पहले और आज की स्थिति में अगर हम आकलन करेंगे तो हम बहुत आगे आ चुके हैं, और भी आने वाली स्थिति में हम और भी आगे जाएंगे। तो हम सकारात्मक सोच के साथ इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये निश्चित रूप से ये कुरीतियां जो है वो समाप्त होंगी। इसमें एक और प्रश्न है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में किस प्रकार से जागरूक कर सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा अगर आप, चूंकि यंगस्टर्स हैं अभी, यूथ जो है जितना इस बारे में कम फॉरवर्ड हो सकता है वो उतना बेहतर है, और यंग जो लोग हैं सोशल मीडिया फ्रीक्स हैं, तो आप सोशल मीडिया का जितना यूज करके, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो इतना क्रांतिकारी प्रभाव दिखाता है किसी भी चीज को लेके, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैं लॉ स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं पैरालीगल वॉलंटियर्स की बात कर रही हूँ, पैनल एडवोकेट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं अपनी फील्ड में, बाकी लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपनी चीजों में बंधे हुए होते हैं सो फार एज सोशल मीडिया इज कंसर्न। लेकिन आप जो हैं, आपका क्षेत्र बहुत व्यापक है, आप ब्लॉगिंग के माध्यम से, सक्सेस स्टोरी शेयर करने के माध्यम से, अवेयरनेस लाने के माध्यम से सोशल मीडिया पर इन सब चीजों को आप आगे ला सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आपका यूट्यूब हो, उसके माध्यम से आप इसमें जितना अवेयरनेस ला सकते हैं, ये अवेयरनेस के लिए बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में। इसके अलावा पे शौर्य दल हैं हमारे, उनके थ्रू भी महिलाओं के अधिकारों के प्रति काफी जागरूक किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप व्यक्तिगत रूप से देखिए, चीजें, समस्याओं का समाधान, या चीजें बोलना चाहिए कि कोई भी इन्वेंशन आपके घर से ही शुरू होता है। आप पहले आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना शुरू करिए। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अगर आप रुचि लेंगे उसमें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिविरों के माध्यम से तो जागरूकता प्रसारित करने की कोशिश करते ही हैं। जहां तक अवेयरनेस की बात है, इसके बारे में मैं एक उल्लेख करूंगी। नॉर्मली हम कैंप्स करते हैं और भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसा कि अभी बताया, लेकिन एक बहुत अच्छा इफेक्टिव जरिया है स्ट्रीट प्ले। देखिए, जितना विजुअल्स का इफेक्ट होता है उतना उतना किसी और चीज का इम्पैक्ट नहीं होता, ना उतना रीडिंग का इम्पैक्ट होता है, ना ही उतना जितना लेक्चर के थ्रू या बताने के थ्रू वन वे उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि विजुअल्स के थ्रू होता है। इसके संबंध में चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे कोई शॉर्ट मूवी हो, शॉर्ट क्लिप हो, या नुक्कड़ नाटक सबसे अच्छा तरीका है, जहां पर हम एक शहर में स्कूल्स हो, कॉलेज हो, उस शहर का एक व्यस्ततम चौराहा हो, वहां पर हम वो जगह चिन्हित करके वहां पर स्ट्रीट प्लेस कर सकते हैं महिलाओं से संबंधित अधिकारों के संबंध में। ये बहुत ही एक इफेक्टिव तरीका है, चूंकि आपके द्वारा पूछा गया है इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल अडॉप्ट करें। और जैसे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को जानकारी ही होगी कि बच्चों के संबंध में इस तरीके के स्ट्रीट प्लेस तो हम करा ही रहे हैं, हम महिलाओं के संबंध में भी करा सकते हैं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में। और उसमें हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि किस तरीके से एक लेडी को, एक महिला को गो थ्रू होना पड़ता है अपनी समस्याओं से, और किस तरह से किन किन फोरमों के माध्यम से फिर वो अंततः जाकर मदद मांगती है और सशक्त होती है। इस तरीके के स्ट्रीट प्लेस तैयार करके हम अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह बचपन को खत्म कर देता है, बाल विवाह बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य संरक्षण पर विपरीत नकारात्मक प्रभाव डालता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू होने के पश्चात भी बाल विवाह पर नियंत्रण क्यों नहीं है, क्या इसके लिए हमें कठोर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो कानून है वो ऑलरेडी इफेक्टिव है, और हम इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और जागरूकता के बारे में लाना
वो हमारा हमारा वो दायित्व है, और अगर हम उतना ही कर लेंगे तो बहुत है। और चूंकि अभी हम उस गोल तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट है। तो ये बिल्कुल, अगर हम इसकी तरफ काम करेंगे तो ये बिल्कुल हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, पीड़ित महिला को यदि पति एवं उसके परिजनों के द्वारा घर से बेदखल कर दिया जाता है, तो पीड़ित महिला को अधिकतम 7 दिवस तक वन स्टॉप सेंटर में आश्रय की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके पश्चात उक्त पीड़ित महिला के आश्रय एवं भोजन की व्यवस्था हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें रोल आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। अगर किसी महिला को उसकी घर से निकाल दिया गया है, उसके ससुराल से निकाल दिया गया है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 17 जो है वो इसके संबंध में विचारणीय है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी महिला को उसके शेयर्ड हाउस होल्ड से, सांझी गृहस्थी से, यानी ससुराल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। सांझी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब ये होता है कि जहां पर वो महिला प्रत्यर्थी के साथ, रिस्पोंडेंट के साथ, यानी जिस जिसके द्वारा उस पर अपराध किया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस की गई है, उसके साथ किसी ना किसी समय पर निवासरत रही हो, किसी ना किसी समय पर उसके साथ रही हो, तो वह एक सांझी गृहस्थी का भाग बन जाती है। और फिर उस सांझी गृहस्थी से उस महिला को उसकी मर्जी के बिना नहीं निकाला जा सकता। अगर उसे निकाल दिया जाता है, तो अगर 7 डेज तक वो वन स्टॉप सेंटर में है, तो उसी दौरान हमें उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस पेश कर देना चाहिए, एप्लीकेशन फाइल कर देनी चाहिए, और इंटरिम ऑर्डर्स हमें उसके प्रोटेक्शन के लिए ले लेने चाहिए। अंतरिम ऑर्डर्स भी किए जाते हैं अर्जेंसी में, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए हमें उनसे न्यायालय से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और उस प्रोटेक्शन ऑर्डर में न्यायालय इस तरह का आदेश दे सकती है कि या तो इसे इसके ससुराल में वापस रखा जाए, इसका भरण, उचित भरण पोषण किया जाए, और यदि महिला उस समय पे उस ससुराल में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसी के स्तर का वैकल्पिक स्थान उसे उपलब्ध कराया जाए जो उसके स्तर का हो, तो वो रिस्पोंडेंट की और उस सांझी गृहस्थी को उसे उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसे हम मदद कर सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न थे। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों के माध्यम से बाल विवाह के संबंध में एट अ ग्लांस एक जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन हैं वो हमारे सामने आए होंगे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोविजन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में, इसमें चूंकि क्वेश्चन कुछ नहीं था, तो सेक्शन 16 जो है ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें ये बताए, इसको जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, स्पेशली आपने बोला कि कैसे रोका जा सकता है, स्पेशली इसी कार्य के लिए उसे नियुक्त किया गया है, और ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कुछ दायित्व हैं, और वो दायित्व मैं आपको बता रही हूँ जिसके माध्यम से मैं पता लग सकता है कि हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को क्या क्या करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का एक कर्तव्य है कि बाल विवाहों के अनुष्ठान का ऐसी कार्यवाही करके जो वह उचित समझे निवारण करे। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करे। तो ही इज इन द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑल्सो। बाल विवाह के अनुष्ठापन का संवर्धन करने, सहायता देने या होने देने में अंतर्वलित ना होने के लिए व्यष्टिक मामलों में सलाह दे, या क्षेत्र के निवासियों को साधारणतया परामर्श दे। तो जागरूकता और कंसल्टेशन की जिम्मेदारी भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को दी गई है। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैदा करे। बाल विवाह के मुद्दों पर समाज को सुग्राही बनाए। ऐसी नियतकालिक विवरणियां और आंकड़े दे जो कि राज्य सरकार निर्देशित करे, एवं अन्य ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करे जो राज्य सरकार निर्देशित करे। राज्य सरकार निर्देशित करे या ऐसे आंकड़े दिखाए जो राज्य सरकार निर्देशित करे, इससे मतलब यह है कि विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है समय समय पर गाइडलाइंस जारी करता है, तो वो बाल विवाह के संबंध में उन गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन करना भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य है। अगर कोई बाल विवाह हो जाता है तो उसके बारे में साक्ष्य को संग्रहित करने का दायित्व भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का है। इसके अतिरिक्त समाज में जागरूकता फैलाना, इसके बारे में लोगों को इसके संबंध में कंसल्टेशन देना, अगर किसी को कोई दिक्कत है मामले रिपोर्ट करना, ये सारे कार्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के हैं जो कि सेक्शन 16 में प्रोवाइड किए गए हैं। तो
यदि आपको ऐसा कोई मामला कहीं लगता है तो आप बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को तो संपर्क कर ही सकते हैं। इसके अलावा आपके जिले में डीसीपीओ कार्यालय होता है, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। आप चाइल्ड लाइन पर कुछ नहीं समझ में आता आप 1098 पे इसकी खबर कर सकते हैं और वो उचित फोरम में वो मामला रिपोर्ट हो जाएगा। तो जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक ये चीज नहीं रुकेगी। तो ये आपके प्रश्न थे इसके। हाँ, अभी ड्यूरिंग सेशन एक प्रश्न आपके जिले से भेजा गया है, अभिषेक जामुने LLB फर्स्ट सेमेस्टर, उन्होंने ये प्रश्न किया है। आप प्लीज अपना प्रश्न स्वयं बताएं, क्योंकि कौन सी सेक्शन 5(3) किस कौन से एक्ट की सेक्शन 5(3) की बात कर रहे हैं आप हैं यहाँ पे। अच्छा जी, बताएं। जिसमें का क्राइटेरिया दिया है कि 18 वर्ष लड़की के लिए और 21 वर्ष लड़के, तो मैम जैसे हिंदू अधीन धारा 2 के अंतर्गत यह जनजाति के जो हैं वह के अंतर्गत सकते हैं, तो क्या मैम धारा 5 उल्लंघन करते हैं, क्या यह बाल विवाह के दोष होते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा है आपको कि जो सिविल मैटर्स की जहां तक बात है, हिंदू विवाह अधिनियम और सारी चीजें जो है, जहां तक जब कोई चीज जो है वो अपराध बन जाती है, IPC में कोई क्लॉज है क्या हमारे पास ऐसा कि IPC जो है पर्टिकुलर पीपल पर, पार्ट ऑफ पीपल पर लागू होगी और नहीं होगी? नहीं है। उसी तरीके से अगर हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम देखें तो उसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जो एक्ट है ये STSCs पर लागू नहीं होगा और हिंदूज पर लागू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां कोई बात अपराध हो जाती है तो हमें, और उसके बारे में स्पेशल लॉ बना हुआ है, तो हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है जब तक कि उसमें क्लॉज ना दिया गया हो पर्टिकुलरली। तो हिंदू विधि में जहां तक दिया गया उसमें विवाह से संबंधित चीजें दी गई हुई हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिटेशन से संबंधित चीजें दी गई हुई हैं, तो जो एक सिविल मैटर की तरफ, सिविल साइड की तरफ जाती हैं। लेकिन जहां तक अगर बाल विवाह 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ कर दिया जाता है तो वो निश्चित तौर से, क्योंकि वो एक तरीके से पॉक्सो का भी अपराध हो जाता है, इसमें 2 स्पेशल एक्ट लाइट में आ जाते हैं। एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम तो आता ही आता है, दूसरा पॉक्सो एक्ट भी आ जाता है जिससे आप नहीं उसको वो कर सकते, ये तो प्रिवेल करेंगे ही, तो वो निश्चित तौर से अपराध होगा। ठीक है, एक और प्रश्न आया है आपकी तरफ से, अर्शी खान, फर्स्ट सेमेस्टर LLB ऑनर्स। As a girl, we are always been advised not to trust a stranger or not to go to outside late at night or to return home early. The fact that we still feel insecure in society, it clearly means that there are still some loopholes in the protective measures and laws that are made for a woman protection. Yes, definitely there are loops. Just because of not being sensitized towards women, or we are not aware females and women are more capable. But the fact is ki women are very much capable like any other human being. So, but still there are loops, and now this is the role. This is up to us how we cope up with this. So actually, what you want to ask, this is what you raise the facts, right, Arshi?
जी आप बताएं यस कुछ मैम, कहना चाहते गुड हैं। आफ्टरनून। जी And that's just the only question I had, that what are the loopholes prevailing in the society? What's more to be done as a citizen, as a woman? What's more to be done? What's more to be done? Just to sensitize people? Yes, ma'am. Just to sensitize people and just to avoid insensitive people. Yes, ma'am. Our rules are not strict enough. The oppressors are still oppressing women in the society. Because we have all the laws. We have all the laws. We have all the provisions. We have all the rights. Now it is up to us how to avail, how to sensitize other people, and how to ignore insensitive things. Okay? I hope I'm clear. Okay, thank you. Okay. Yes, thank you so much, Maina. किन्हीं और के भी कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कुछ ही क्षणों में माननीय सदस्य सचिव महोदय कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हम सभी के समक्ष होंगे। और इससे पहले कि हम इन आज के कार्यक्रम को कंक्लूड करें, मेरा सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले आदरणीय सचिव महोदय, मैं स्टार्टिंग में स्पेशली नमस्कार नहीं कर पाई, और आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज ये सेशन छोड़ने के पहले, मतलब यहाँ के इस कक्ष से जाने के पूर्व, आप यूट्यूब चैनल जो है MPSLSA का, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसको उसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। उसका मोटिव यही है कि ये चीज जितनी ज्यादा स्प्रेड होगी, हमारी व्यूअरशिप जितनी बढ़ेगी, सब्सक्रिप्शन जितने बढ़ेंगे, हमारा जो अवेयरनेस, जैसे आपने बोला ना कि आप अवेयर करना चाहते हैं, कैसे अवेयर करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द वेरी मच इफेक्टिव वे टू अवेयर पीपल। तो आप सारे जितने भी आज मुझे लगता है 80+ लोग हैं आज के सेशन में, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें आज। आई होप वी डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस। Now we have a respected member secretary among us. ये वर्चुअल बोर्ड के माध्यम से उपस्थित यहाँ सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग प्रशासक वन स्टाफ सेंटर का सेंटर बढ़वाने, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यगण, पैरालीगल वॉलंटियर्स, लॉ स्टूडेंट्स एवं जो विभिन्न एनजीओ है उनके प्रतिनिधि, वर्तमान समय में लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने एवं उन्हें जागरूक करने में सोशल मीडिया की भूमिका काफी रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से तमाम हम कार्यक्रम या आपके तक पहुंच जाते हैं, जानकारी आप उपलब्ध करा लेते हैं, तो उसी टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए हम जो कि आपकी जो विधिक प्रश्न कुछ जो रहते हैं उनका हम समाधान करते हैं, जवाब देते हैं। इसमें आप लोग उपस्थित हुए और हम समझते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान भी हुआ होगा। आप सबको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और जो आप लोगों ने अपनी एक सक्रियता दर्शाई है, जो उत्साह दर्शाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।